हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे हो। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइसेप्स के बारे में। बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं बाइसेप्स से रिलेटेड कि मेरे बाइसेप्स इतने अच्छे कैसे ग्रो हुए। सो आज के वीडियो में जो हम बातें करेंगे वो वर्कआउट से अलग होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जिम में जो आप जाते हो बेसिक बाइसेप्स ट्राइसेप्स आर्म्स की वर्कआउट आपको पता होती है क्या वर्कआउट करना है। बट फिर भी मैं वीडियो के एंड में आपको दो मेरी फेवरेट बाइसेप्स की और दो मेरी फेवरेट ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप ट्राई करना। एंड आज का जो वीडियो होगा वो बेसिकली चार से पांच ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में आपको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, रिक्रूट करने की ज़रूरत है अपने आर्म्स को ग्रो करने के लिए। तो इंस्टाग्राम पे जरूर सपोर्ट करना, singa_10 है मेरा अकाउंट, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप बेहिचक आके पूछा करिए। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि हर दिन 20-25 लोगों से मेरी बात हो, तो आप बार बार मैसेज कर सकते हैं। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की। सो आज के वीडियो में सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत ही बेसिकली क्लियर करना चाहता हूँ कि बाइसेप्स जो आप ट्रेन कर रहे हैं तो आप जेनेटिक्स सबकी अलग होती है। मेरे आर्म्स की जो शेप है, मेरी आर्म्स की जो डेफिनेशन है वो दूसरे किसी बंदे से बहुत अलग होती है। अब जैसे मेरे कितने दोस्त हैं, उनकी बाइसेप्स अलग होती है, उनकी पीक बहुत अलग आती है। तो किसी से भी कंपेयर करके, उनकी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल फॉलो करके ये मत समझिए कि उनके जैसी आर्म्स बनेंगी। आपकी आर्म्स आपके जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग बनेंगी। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि डेफिसिट में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलना है। ये मैं बहुत देख रहा हूँ आजकल की मसल बिल्डिंग डेफिसिट में होगी। 200 कैलोरीज 300 कैलोरी की डेफिसिट कर लो और मसल बिल्डिंग करते रहो। एज अ बिगिनर इन द फर्स्ट 3-4 ईयर्स, दिस इज माई एक्सपीरियंस, यू नीड स्लाइट कैलरिक सरप्लस। 200-300 कैलरिक सरप्लस चाहिए इफ यू वॉन्ट टू ग्रो। आप इमेजिन करो, आपकी पूरी बॉडी ग्रो करेगी तभी तो आर्म्स ग्रो करेंगी। आप पूरी बॉडी ओवरऑल ग्रो करोगे ना, जब आप फैट ओवरऑल लूज करते हो तो ग्रो भी ओवरऑल करोगे ना। तो उसके लिए यू नीड टू ईट एनफ, ये कोई नहीं बताता। सो यू नीड टू ईट 200-300 कैलरिक सरप्लस। मैं बहुत ज़्यादा फैट गेन करने में बात नहीं कर रहा हूँ। बल्किंग का मतलब ये नहीं होता कि मोटे हो जाना। बल्किंग को आज बहुत गलत वे में देखा जा रहा है। बल्किंग का मतलब है 13-15% बॉडी फैट मैक्सिमम जाना और फिर कट करके 11-12 पे आना। ये होती है बल्किंग। नेचुरल में जो बात करते हैं 10-11% पे कट करके वापस आना। सो आपने 200-300 सरप्लस में खाना है अगर आप ग्रो करना चाहते हैं ओवर अ लॉन्ग रन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली जब आपको एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना रहता है तो एक अच्छा वे प्रोटीन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा वे प्रोटीन बजट फ्रेंडली और अच्छा रहता है। सो मैं यूज़ करता हूँ बिग मसल का रॉ एंड रियल वे। एंड इसकी सबसे जो खासियत बात है कि ये 100% प्रीमियम ग्रास फेड है। अब ग्रास फेड का मतलब ये होता है कि ये उन गायों के दूध से जनरेट होकर बनता है जिन्हें सिर्फ खाने में ग्रास दिया जाता है। तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है एंड नेचुरल होती है। एंड इसकी पर जो 1 kg की सर्विंग है उसमें 33 सर्विंग है एंड सिर्फ प्राइस है 1000 रुपये के अराउंड। तो बहुत बजट फ्रेंडली है। इसकी पर स्कूप 30 ग्राम की है एंड पर स्कूप आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सो यू गेट 80% अराउंड प्रोटीन। 5.5 ग्राम BCAAs पर स्कूप, 4 ग्राम ग्लूटामिक एसिड एंड 0 ग्राम शुगर और एनीथिंग, कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी सॉय, कुछ भी एडिड नहीं है इसमें। अनफ्लेवर्ड है, मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड आधा किलो के पैक में है, 1 किलो के पैक में है, 2 किलो के पैक में अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, गो एंड चेक दिस आउट। उसके साथ फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि बाइसेप्स ग्रो करने के लिए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यू वांट। एंड मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बाइसेप्स ट्रेन नहीं करते हैं एंड आई वॉज वन ऑफ देम। मैं भी उसमें से रह चुका हूँ क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग पर फोकस कर रहा था पिछले 1.5 साल से। सो मुझे लगता था कि डेडलिफ्ट कर रहे हैं, स्क्वाट कर रहे हैं, बेंच कर रहे हैं और हैवी कंपाउंड मूवमेंट तो करते ही हैं, पुलअप्स वगैरह मारते हैं, तो बाइसेप्स को आइसोलेट करने की क्या ज़रूरत है, वो तो अपने आप ग्रो होंगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट आई हैव डन। क्योंकि पिछले 1.5 साल में मेरे बाइसेप्स इतने से ग्रो हुए हैं जो कि मेरे पहले बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे। तो अभी मैंने फिर से आइसोलेशन पे फोकस करना शुरू किया है। एंड अगर आप बाइसेप्स को ट्रेन नहीं करोगे डायरेक्टली तो आपकी बॉडी की सिमेट्री भी थोड़ी वीक हो जाएगी, बिकॉज लाइक आप इस पार्ट से वीक हो, आप ये ट्रेन नहीं करते हो ना, इस पार्ट से वीक हो जाओगे, स्लाउच हो जाओगे। इसीलिए आई थिंक इसको भी अच्छे से ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के भी टेंडेंस स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रीक्वेंसी की बात, बहुत जल्दी वीडियो करना चाहता हूँ मैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। फ्रीक्वेंसी की बात करना चाह रहा हूँ, कितना बार ट्रेन करना है मेरे लिए जो काम करता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो सेपरेट डेज रखते हैं, बाइसेप्स का एक अलग डे, ट्राइसेप का एक अलग डे। बट मेरे लिए जो काम करता है वो है कि मैं एक बड़े मसल ग्रुप के साथ बाइसेप्स को कंबाइन करता हूँ और बड़े मसल ग्रुप के साथ ट्राइसेप्स को कंबाइन करता हूँ। एंड मेरा बाइसेप्स होता है बैक के बाद, क्योंकि जब आप बैक ट्रेन करते हैं कुछ हद तक बाइसेप्स ऑलरेडी पम्प्ड हो जाता है, ऑलरेडी उसमें थोड़ा बहुत
कॉन्ट्रैक्शन पहले से ही आ जाता है, जैसे आप बारबेल रोइंग करते हैं, पुलअप्स मारते हैं, चिनअप्स मारते हैं बैक के लिए, डंबल रोइंग करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत बाइसेप्स वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके बाद बाइसेप्स करोगे ना तो अच्छा रहता है। एंड उसके साथ ट्राइसेप्स मैं चेस्ट के साथ करता हूँ, बिकॉज चेस्ट एक पुशिंग मूवमेंट है, तो उसमें भी ट्राइसेप्स इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं किसी भी बड़े मसल के साथ उसको ट्रेन करता हूँ। कितनी एक्सरसाइजेस करता हूँ मैं, बाइसेप्स की 3 करता हूँ। आई थिंक ट्यूजडे को मेरा बैक है एंड सैटरडे को मेरा बैक है, सो ट्यूजडे को मेरी 3 बाइसेप्स रहती हैं, सैटरडे को मेरी 3 बाइसेप्स रहती हैं। एंड उसके साथ चेस्ट भी हफ्ते चेस्ट के साथ ट्राइसेप्स करता हूँ हफ्ते में 2 बार। सो हफ्ते में 2 बार ट्रेन करता हूँ, 3 एक्सरसाइजेस। अब अगर आपका ये वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, एक टाइम को मैं बहुत ज़्यादा जब वीक था तो मैं एक प्रॉपर डे देता था। मैं वेंसडे रखा था मैंने प्रॉपर आर्म्स वर्कआउट, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स टुगेदर कंबाइन करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ योर आर्म्स आर वीक यू कैन डू इट प्रॉपरली। एंड मैंने जब शुरू किया था, मेरे आर्म्स यार बहुत छोटे थे, अगर मेरे पास फोटोज होंगे मैं डालूंगा, बहुत छोटे आर्म्स थे, 12.5 समथिंग होंगे, एंड आज जो है अराउंड 17 इंचेस हैं। सो बिल्कुल ग्रो कर सकते हो, हर कोई जीरो से शुरू करता, बस यही बताने की कोशिश है, हर किसी के जेनेटिक्स पैदा होते ही नहीं हो जाते, आर्म्स बड़े नहीं हो जाते, सबको मेहनत करनी पड़ती है। जो एक टारगेट रख सकते हो वो होगा एक साल में, आई थिंक एज अ बिगिनर तो एक साल में 2 इंच तक ग्रो कर सकते हो, 2-2.5 इंच पहले 1-2 साल, 1-1.5 साल आई थिंक, उसके बाद बहुत स्लो होता है, 6 महीने में 0.5 इंच भी ग्रो हो जाए, 3-4 साल बॉडी बिल्डिंग करने के बाद तो बड़ी बात होती है नेचुरली। सो एम रखो कि पहले 1-2 साल में ही बहुत अच्छा ग्रो करना है। लास्ट थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है टेम्पो के बारे में। अब टेम्पो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, एक सपोज करिए ये मैं डंबल है एंड डंबल कर्ल्स परफॉर्म करते हैं, आप जिम में जनरली बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज हर कोई ही परफॉर्म करता है। सो सिंपल जो आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सो ये एक टेम्पो हुआ जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस पोजीशन से आप शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेम्पो हुआ। अब आप ऊपर लेके जाते हो, जो टाइम लगा ऊपर लेके जाने में दैट इज अनदर टेम्पो, यहाँ पे होल्ड किया एक और टेम्पो है, और नीचे लेके जा रहे हैं वो एक और टेम्पो है, तो एक ही रेपिटेशन में 4 टेम्पो है। एंड इसी को टाइम अंडर टेंशन कहते हैं, TUT कहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आप हाइपरट्रॉफी की बात करते हैं छोटे मसल्स के लिए, क्योंकि आप बाइसेप्स या ट्राइसेप्स में 3 रेपिटेशन, 4 रेपिटेशन, 5 रेपिटेशन की ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हैवी वर्कआउट्स नहीं करते हम, कोई भी नहीं करता बाइसेप्स के लिए। वर्कआउट जनरली हमारे आर्म्स के लिए जो बाइसेप ट्राइसेप्स की है 12-20 रेपिटेशन के बीच में होना चाहिए, जब सिर्फ आपका गोल है मसल बिल्डिंग। सो जनरली 12-20 रेपिटेशन मैं प्रेफर करता हूँ। सो टाइम अंडर टेंशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जब आप यहाँ से लेके जाते हो कोशिश करो, दिस टेक्स 1 सेकेंड और हाफ, मोर देन हाफ अ सेकेंड, यहाँ पे आधा 1 सेकेंड का पॉज हो, यहाँ लेके आते हो, यहाँ पे पूरा मतलब वो कंट्रोल होना चाहिए, एक रैप में ना प्यार होना चाहिए, कंट्रोल्ड रैप होनी चाहिए। एंड उसके साथ अब बात करूँगा ड्रॉप सेट्स की, जो मैं बहुत इंक्लूड करता हूँ। सो ड्रॉप सेट्स इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आप एक ही वेट से कितने रेपिटेशंस करोगे, जनरली 12 किलो से मैं करता हूँ डंबल कर्ल्स, तो मैं 12-13 रेपिटेशन के बाद थक जाता हूँ, सो मैं वहाँ से ड्रॉप करता हूँ 7.5 किलो की डंबल लेके और 10 रेपिटेशन करता हूँ, पूरा फटीग करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज जब आप बाइसेप ट्राइसेप की बात करते हो, यू नीड टू फील द पंप, जितना पंप आए उतना बढ़िया है, उतनी अच्छी हाइपरट्रॉफी है। 20 रेपिटेशन आई थिंक बहुत जरूरी हो जाता है, ड्रॉप सेट्स करते रहता हूँ मैं बाइसेप्स में जनरली एंड ट्राइसेप्स में। सो लास्ट में 2 फेवरेट एक्सरसाइज मैंने कहा था मैं बताऊंगा। सो मेरी बाइसेप्स में जनरली मेरी फेवरेट एक्सरसाइज होगी 1 आर्म डंबल प्रीचर कर्ल्स एंड इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, जस्ट बिकॉज कोई मोमेंटम यूज नहीं होता। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग मेरे से अग्री करेंगे, बिकॉज हम जब बाइसेप वर्कआउट करते हैं खड़े खड़े, तो लास्ट में ये होने लगता है, हम सबसे होता है जनरली, बिकॉज थक जाते हैं। सो इसीलिए मैं 1 आर्म डंबल कर्ल परफॉर्म करता हूँ और इंक्लाइन डंबल कर्ल्स, क्योंकि कोई मोमेंटम यूज़ नहीं होता, ईगो मेरी साइड हो जाती है, हैवी नहीं उठाना है, 7.5-10 किलो लेके जितने परफॉर्म कर सकते हैं उतने परफॉर्म करेंगे। तो ईगो हटाने के लिए वो ये दोनों एक्सरसाइजेस, एंड मुझे ये भी लगता है कि पूरा रेंज ऑफ मोशन आता है इन दोनों एक्सरसाइजेस में, इसलिए बेटर होती हैं। एंड उसके साथ ट्राइसेप्स के लिए व्हाट आई प्रेफर इज अ कंपाउंड मूवमेंट बोल सकते हो, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, बिकॉज आई कैन गो हैवी, आई कैन अप्लाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ईजिली, एंड आई लव दैट एक्सरसाइज। आप एक बार ट्राई करना अगर नहीं कर दो, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, थोड़ा जो टच पोजिशन है चेस्ट में वो थोड़ा नीचे रहता है, एंड यू पुश इट अपवर्ड, एंड इट कैन हेल्प आपके बेंच प्रेस को भी बढ़ाने में, सो आई यूज दैट। एंड क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ तो इसलिए भी मेरी फेवरेट है थोड़ी। एंड उसके साथ आई डू सेकेंड जो मेरी फेवरेट होगी दैट विल बी 1 आर्म केबल किक बैक्स, अगेन बिकॉज मोमेंटम यूज नहीं होता, बहुत कंट्रोल्ड होता है, और फिर मैं 20-25-30 रेपिटेशन करता हूँ ड्रॉप सेट्स लेके। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, जितनी नॉलेज है कोशिश की शेयर करने की।
प्लीज़ गो एंड लाइक दिस वीडियो टू मोटिवेट मी। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो हुआ है, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू।